हम एकेडमी में आपका स्वागत है। हम जैसा कि आपको पता है कि बिहार शिक्षक नियमावली की बात कर रहे हैं, यह वही नियमावली है जिसके अंतर्गत बीपीएससी से बहालियां हो रही हैं। और ये नियमावली संचिका संख्या 743 दिनांक 10 अप्रैल 2023 को जारी की गई थी, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा अस्पष्टता नहीं थी, तो इसका संशोधित रूप जो है वो आ चुका है। वो संचिका संख्या 786 दिनांक 18 मार्च 2024 के रूप में हमारे सामने है। और जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है वो है कुछ फिटमेंट मैट्रिक्स और प्रोन्नति को लेकर के। तो 1 से 12 तक के नियम तो हम पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, अब नियम 13 की बात करते हैं। तो मूल नियमावली का नियम 13 जो है वो ट्रांसफ़र से रिलेटेड है, और साफ साफ कहा गया है कि जो टीचर बिहार में अब बहाल हो रहे हैं, बिहार विद्यालय शिक्षक जो कहलाते हैं स्कूल टीचर, वो उनका पद ट्रांसफरेबल होगा, यानी वो जब चाहे तब ट्रांसफ़र करा सकते हैं अगर अधिकारी उनके बताए कारणों से संतुष्ट हो तो। और टीचर्स का ट्रांसफ़र उनका प्रशासी विभाग जो है नियोक्ता प्राधिकार जो है वो करेगा। नियोक्ता प्राधिकार का मतलब है जिला शिक्षा पदाधिकारी करेंगे। लेकिन एक चीज़ है, चूँकि इन शिक्षकों का कैडर डिस्ट्रिक्ट लेवल का है तो ज़िले के अंदर तो जिला शिक्षा पदाधिकारी ट्रांसफ़र कर देंगे, लेकिन एक ज़िले से दूसरे ज़िले में ट्रांसफ़र कराना हो तब क्या होगा? तो एक ज़िले से दूसरे ज़िले में ट्रांसफ़र तो होगा, लेकिन उसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी सक्षम प्राधिकार नहीं है, यानी वो चाह के भी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए अंतर जिला स्थानांतरण के लिए अगर प्राथमिक के शिक्षक हैं तो उनका ट्रांसफ़र प्राथमिक शिक्षा के निदेशक कर पाएंगे, और अगर माध्यमिक या उच्च माध्यमिक के शिक्षक हैं तो उनका अंतर जिला ट्रांसफ़र जो है डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन यानी माध्यमिक शिक्षा के निदेशक कर पाएंगे। यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि अगर अंतर जिला स्थानांतरण कराता है कोई शिक्षक तो उसकी वरीयता ख़त्म हो जाएगी, मतलब कि एक जिला से दूसरे जिला में जब जाएगा तो जिस विद्यालय में वो योगदान करेगा उस विद्यालय के सभी शिक्षक जो पहले से कार्यरत हैं उनके बाद इनकी सीनियरिटी शुरू होगी। तो ये थोड़ा सा रिस्की तो होता ही है, लेकिन नियम यही है तो है, शुरू से ऐसा ही चलता आ रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण जो अब संशोधन के माध्यम से जुड़ा है, ये तो ट्रांसफ़र से रिलेटेड बात पहले की नियमावली में ही है, लेकिन अब 13 नियम 13 के साथ 13 को फिटमेंट मैट्रिक्स जोड़ दिया गया है। और ये फिटमेंट मैट्रिक्स क्या है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आइए सबसे लास्ट में एक पेज दिया गया है अनुलग्नक क के नाम पे, यही है फिटमेंट मैट्रिक्स। इसमें कह रहा है कि कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक का मूल वेतन 25,000 होगा, 6 से 8 तक का 28,000, और वरीय शिक्षक अगर क्लास 6 से 8 के होते हैं तो 30,000, 9th 10th के माध्यमिक शिक्षक अगर हैं तो उनका इनिशियल बेसिक जो है 31,000, और 11th 12th के अगर शिक्षक हैं तो इनका शुरुआती मूल वेतन 32,000, जबकि वरीय +2 के शिक्षक हैं तो 34,000 रुपया होगा। ये फिटमेंट मैट्रिक्स पहले था ही नहीं, जो मूल नियमावली बनी थी 23 अप्रैल में जो जारी की गई थी तो उसमें ये नियमावली नहीं थी, यानी कि फिक्स्ड सैलरी पे बहाली हुई थी, लेकिन बाद में नियोजित शिक्षकों को भी इसी नियमावली से शामिल करने के लिए परीक्षा लेकर के शामिल किया जाना सुनिश्चित हुआ। बिहार सरकार का निर्णय जब हुआ तो उनके लिए एक समस्या हुई कि वो जो उच्च वेतन में थे यानी ज़्यादा वेतन पा रहे थे वो जब आएंगे तो क्या होगा, तो उसके लिए जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली बनाई गई तब सरकार के लिए ये बेबसी हो गई कि इन शिक्षकों के लिए भी कुछ सुधार हो, और ये सुधार के रूप में दिख रहा है फिटमेंट मैट्रिक्स जो टेबल के रूप में है। यानी अब जो बिहार में बीपीएससी से बहाल शिक्षक हैं वो फिक्स्ड सैलरी वाले न होकर के हर साल उनका एक इंक्रीमेंट मिलेगा। जैसे क्लास 1 से 5 का कोई टीचर ज्वाइन किया है तो एक साल तक तो वो 25,000 मूल वेतन पे काम करेगा, अगले साल यानी 1 जनवरी से या 1 जुलाई से, साल में 2 ही बार इंक्रीमेंट मिलता है, या तो आप जनवरी में लीजिए या फिर जुलाई में लीजिए, इसका निर्धारण आपके योगदान की तिथि से होता है। अगर आप
30 जून के पहले योगदान किए हैं, यानी 1 जनवरी से 30 जून के बीच आपने योगदान किया है विद्यालय में, तो आपको पहली जनवरी को इंक्रीमेंट मिलेगा। अगर 30 जून से बाद यानी 1 जुलाई से 31 दिसंबर के बीच योगदान किया है तो फिर आपको 1 जुलाई को ही इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। तो अब 25,000 के बाद जो इंक्रीमेंट होगा तो 25,750 यानी अगले साल प्राथमिक स्कूल के टीचर के बेसिक वेतन में 750 रुपये की बढ़ोतरी हो गई। इसी तरह हर साल कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होती जाएगी और सभी स्तर के टीचर्स के लिए मूल वेतन बढ़ता जाएगा, चाहे वो क्लास 1 to 5 के टीचर हों, 6 to 8 के हों, 9th 10th के हों या 11 12th के हों। तो ये बहुत अच्छा है। अभी पूरा मैट्रिक्स आप बार बार देखिएगा क्योंकि इसी के अनुसार आपका वेतन बनेगा। बेसिक यहाँ से आपका सेलेक्ट होगा और बाकी जितनी सुविधाएं हैं जैसे डीए हर साल बढ़ता रहता है, तो डीए हो, एचआरए हो, मेडिकल हो, मेडिकल तो फिक्स्ड है सबका, मेडिकल 1,000 रुपया ही मिलता है, लेकिन एचआरए भी फिक्स्ड ही है लेकिन वो शहर के हिसाब से बदलता है। डीए तो सबका फिक्स्ड ही है, सबको एक ही समान मिलता है। तो ये फिटमेंट मैट्रिक्स जो स्थापित किया गया है अनुलग्नक क के अनुसार, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात जो इसमें देखने को मिल रही है वो है 13 ख के माध्यम से, यानी नियमावली, मूल नियमावली में जो नियम संख्या 13 थी सो तो है स्थानांतरण से संबंधित, लेकिन उसमें 13 क के रूप में फिटमेंट मैट्रिक्स जोड़ दिया गया और 13 ख के रूप में प्रोन्नति जोड़ दिया गया। पहले बीपीएससी से बहाल होने वाले शिक्षकों को पूरे जीवन में प्रमोशन का कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब एक एक ऑप्शन मिला है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये बहुत सही है, लेकिन मिला है। क्या मिला है? तो ये है कि कक्षा 1 से 5 तक का कोई स्कूल टीचर है, 8 साल की सेवा संतोषजनक ढंग से करता है तो फिर उसका प्रमोशन 6 to 8 के टीचर के रूप में हो जाएगा, यानी वो 6 to 8 के टीचर के पद पे काम करेगा। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि उसका जो फिटमेंट मैट्रिक्स है उसके अनुसार उसका स्केल भी बढ़ जाएगा। जैसे बेसिक 25,000 शुरू होता है क्लास 1 to 5 के टीचर्स का और 28,000 से शुरुआत होती है 6 to 8 के टीचर का। सपोज करिए कि 8 साल बाद जो है प्राइमरी स्कूल का जो टीचर है वह 30,750 के स्केल को पा रहा है, लेकिन जैसे उसका प्रमोशन होगा तो 30,750 बढ़ करके सीधे 34,440 हो जाएगा, क्योंकि टेबल 8 के समकक्ष 6 to 8 के टीचर के लिए 34,440 रुपये है। तो इस तरह आर्थिक लाभ हो जाएगा और यही लाभ है जिसके लिए इतना संघर्ष चल रहा है। इसी तरह क्लास 6 to 8 का टीचर अगर होगा तो वो 8 साल की सेवा के बाद 6 to 8 का ही वरीय विद्यालय अध्यापक बन जाएगा। 9th 10th का जो टीचर होगा वह 8 साल की सेवा के बाद क्या होगा, प्रोन्नत करके 11th 12th का अध्यापक बन जाएगा। और अगर 11th 12th का कोई स्कूल टीचर है तो वह 8 साल की सेवा के बाद 11th 12th का ही वरीय विद्यालय अध्यापक बन जाएगा। ये एक अच्छी बात है, लेकिन यहाँ एक प्रश्न जरूर उठना चाहिए कि सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि कोई भी कर्मी लगभग 40 साल की सेवा करता है, जैसे 20 साल की उम्र में ज्वाइन किया और 40 साल की उम्र तक सेवा किया, तो 60 साल की उम्र तक सेवा किया, तो इस तरह लगभग 40 साल सेवा किया, तो 8 साल के लिए तो एक प्रमोशन ठीक है, लेकिन उसके बाद के सालों के लिए क्या होगा? या करियर प्रोग्रेशन पाथवे तो सही होना चाहिए ना, कि एक प्रमोशन के बाद बाकी प्रमोशन को रोक दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस पे भी भविष्य में कुछ ना कुछ निर्णय आएगा। कोई भी नियम परमानेंट नहीं होता है, परिस्थिति बस बदलता है, लेकिन ये अच्छाई है कि अभी जो बहुत ही योग्य शिक्षक बहाल हुए हैं बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से, उनको कुछ
अच्छा देखने को मिल रहा है, भविष्य में और भी कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। हाँ, एक चीज़ और इस नियम में जान लीजिए कि कोई भी प्रोन्नति जो है वह ऑटोमेटिक नहीं होगी, यानी अपने आप नहीं होगी, और कोई भी कर्मी प्रोन्नति का, प्रमोशन का दावा नहीं कर सकता। प्रोन्नति कब होगी देखा जाएगा, 8 साल की सेवा संतोषजनक होने के बाद अगर वैकेंसी है यानी प्रमोशन का पद बचा हुआ है और कोई उस समय की नियम है जो कह रहा है कि हाँ प्रमोशन होना चाहिए, तो सक्षम प्राधिकार आपको प्रमोट कर देगा। तो ये एक अच्छा आपके लिए है। अब दूसरी जो चीज़ है वो है अनुशासनिक कार्रवाई, तो उसके लिए हम अलग से बात करना पसंद करते हैं। इस वीडियो में बस प्रमोशन से रिलेटेड बातें ही, अगले वीडियो में बाकी सारी बातें पूरी करते हैं। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।